हेलो फ्रेंड्स, यदि आप प्रेग्नेंट हैं और आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि मुझे कितना वेट गेन करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको बताने जा रही हूँ कि प्रेगनेंसी के 9 महीने में एग्जैक्टली आपको कितना वेट गेन करना चाहिए। तो टोटल वेट गेन होता है वो होता है 11 किलो से लेकर 16 किलो तक, जो कि एक नॉर्मल वेट की लेडी के लिए माना जाता है। लेकिन यदि आपका वेट काफी कम है, अंडर वेट है, तो आपको 16 से 21 किलो तक का वजन गेन करना चाहिए। और यदि आपका ओबेसिटी के रेंज में है, यानी कि आपका वेट काफी ज्यादा है, तो फिर आपको 11 किलो से कम, यानी 7 किलो से 11 किलो तक का ही वजन गेन करना चाहिए। और ये जो नॉर्मल वेट के साथ में जो 11 किलो से 16 किलो के वजन गेन की हम बात करते हैं, तो उसमें जो पहली तिमाही होती है उसमें सिर्फ 1 किलो के आसपास वेट गेन हो पाता है। अगली तिमाही में फिर ये 5-5 किलो का बराबर डिवाइड किया जाता है, यानी कि सेकेंड तिमाही में 5 किलो, अगली तिमाही में 5 किलो, यानी इस प्रकार से आपका एक मिनिमम 11 किलो के आसपास वजन गेन हो जाता है। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा भी होता है, और लास्ट का जो 7th, 8th और 9th मंथ होता है उसमें सबसे ज्यादा वेट गेन होता है। और उसमें एवरेज हम ये मान के चलते हैं कि हफ्ते के अंदर आधा किलो वजन आपका बढ़ जाना चाहिए। यदि हफ्ते में आधा किलो वजन नहीं बढ़ रहा है, बच्चा ग्रोथ, बच्चे का घूमना कम लग रहा है, बच्चे के चारों तरफ पानी कम है, या और कोई समस्या लग रही है, तो रेगुलर सोनोग्राफी से आप इसको ट्रैक कर सकती हैं कि प्रॉपर वेट गेन कितना हो रहा है बच्चे का। दूसरा, यदि वेट गेन कम हो रहा है तो उसमें बच्चे की एक रंगीन सोनोग्राफी कराई जाती है, जिससे कि ये पता चलता है कि बच्चे को ब्लड सर्कुलेशन सही मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि बच्चे को जो भी न्यूट्रिशन मिलेगा वो ब्लड के थ्रू आंगनलाल से मिलेगा, और आप जितना खाएंगे उतना ही बच्चे को ट्रांसफर होगा। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप थोड़ा थोड़ा बार बार खाते रहिए, हर 2 घंटे के अंदर कुछ खा लीजिए, ताकि बराबर ग्लूकोज का लेवल आपकी बॉडी में सही बना रहे और बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे।